ये देखिए चाप हमने काट ली, इसकी डंडी ये हमने निकाल ली, ये सारे पीस काट लिए हमने। तरह से इसको फ्राई करेंगे एकदम होटल स्टाइल का चाप बनाएंगे आज। ये तब तक हमारी चाप फ्राई हो रही है, तब तक हम बना लेंगे ग्रेवी के लिए मसाला। ये हमने प्याज काट लिया, ये हरी मिर्च, ये टमाटर, ये कुछ लहसुन की कलियां हैं इसके अंदर हो गई मिर्च, ये देखिए। और इसमें अदरक डालेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे प्याज को, और टमाटर ऐसे ही काट के पीस लेंगे, इसकी बनाएंगे ग्रेवी। ये देखिए फ्राई हो चुका है हमारा चाप, ये देखिए हमने निकाल लिया है, इतनी लाल लाल अच्छा सिखा हुआ है। ये देखिए हमने प्याज डाल दिया, इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए हमने प्याज डाल दिया, इसको कर देंगे हम फ्राई। ये हमने इसमें बटर डाल दिया, ये हमने दही डाल दिया 2 चम्मच, इससे स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। ये हमने डाल दिया चाट मसाला इसमें, ये हमने मसाले मिला के इसको हमने रख दिया है रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। इसमें हमने थोड़ा नमक भी डाला, देखिए प्याज इसको पीस देंगे, हमने फ्राई किया था। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसका बना लिया पेस्ट। और ये है टमाटर, इसको भी पीस लिया हमने। ये देखिए हमने कुछ साबुत मसाले ले लिए, ये देखिए। ये हमने हल्दी डाली 1 चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च, ये कुछ साबुत मसाले हमने डाल दिए। ये हमने टमाटर पीसे थे वो डाल दिए इसमें, ये देखिए हमने टमाटर डाल दिए थे इसमें, और साबुत मसाले, नमक डाल दिया। ये हमने मसाले जो रखे हल्दी, धनिया और मिर्ची और कश्मीरी मिर्च। ये हमने प्याज डाल दिया जो पीस के रखा हुआ था, प्याज पहले से ही फ्राई था। ये देखिए हमने प्याज टमाटर सारा मिक्स कर दिया, अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। जब इसमें तेल अलग निकल जाएगा और खुशबू आने लगी, इसके बाद समझो मसाला हमारा भूनके तैयार हो गया। देखिए मसाला हमारा भूनके तैयार हो गया, अब इसमें डाल लेंगे हम चाप। चाप डाल ली, इस तरह से आप लोग अगर बनाएंगे चाप तो होटल का चाप खाना भूल जाएंगे आप लोग, ये बोलेंगे घर पर बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा है ये चाप, चाहो तो ऐसा भी खा सकते हैं और चाहो तो थोड़ा रसीला कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया पानी, आप अपने हिसाब से कर लें ग्रेवी, गाढ़ी पतली जैसी भी चाहिए हो। थोड़ा डालेंगे भुना जीरा, ये हमने कसूरी मेथी डाल दी हाथों से क्रश करके, ये देखिए बनवा, ये एकदम बहुत ही बढ़िया बना हुआ है चाप, ये देखिए। जब खाएंगे एक बार इस तरह से आप लोग बना के, तो इसका स्वाद पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही है। ये डाल दिया हमने मसाला, मीट मसाला डाला हमने इसमें, थोड़ा नमक हमने पहले डाल दिया था, टमाटर डाले थे, अब इसमें और डाल दिया थोड़ा, पहले कम डाला था। ये हमने डाल दी मिर्ची, ये देखिए हमारी चाप की सब्जी बनकर हो गई तैयार, ये देखिए।